सभी की मानव आदरमंदित करता हूँ कि जी वाई सी का विजन ये है कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को हम आगे तक ले जाए, अन्य शहरों तक पहुंचा दें, प्रदेश ही नहीं, जिला ही नहीं, प्रदेश में फैलाए, प्रदेश ही नहीं अन्य प्रदेशों में फैलाए। हम अगर अपनी नवीन प्रतिभाओं को अपने गाँव तक सीमित रखेंगे तो ये मेरा विजन नहीं, मेरा विजन है आप दूसरे लोगों तक। आप ये बताइए कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय प्लेयरों के साथ खेलने को मौका मिले आप मना करेंगे? नहीं मना करेंगे ना। आपको प्रमोट होने का ये मंच मिला है, मैं टीम आनंद को आमंत्रित करूंगा। आपकी चर्चा है कि आप अपना मतलब दे सकते हैं, बोल सकते हैं, दो मिनट इसके बाद हमारे उपाध्यक्ष वेबसाइट चलाने करेंगे, जीवन इसी पर लागू में इसके बाद आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। मैं स्वागत करूंगा अगर कोई बोलना चाहे। देखिए चलिए अजीत जी, हमारा काम पूछना अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे तो सब से आइए। सभी को भैया नमस्कार, दिवाली की सभी को बधाई। आज भैया दूज है, उसके लिए भी आपको बधाई, थोड़ा सा जल्दी किया जाए क्योंकि आज त्यौहार भी है, लोगों को त्यौहार भी जाना है। और मेरा मानना ये है कि अगर कोई चीज़ शुरुआत की गई है तो उसको जो है अब पहले जो भी हुआ तो हुआ, इसके बाद एट टाइम कोई अगर कार्यक्रम बिल्कुल निश्चित कर लिया गया है उसी समय फिर विरोध क्या बोलते हैं क्या कहते हैं
क्या हमारे आदर परिचय की जो है वो भी है आप अपनी किसी भी लिख भी कहेंगे उसके बारे में आपको फाइट नहीं गया आपका आप किसी समय के बारे में आप अगर बैठे तो आपको पूरा यहाँ पर दिखाई देगा अब एक्शन कैसे होगा इसके बारे में हमारा टेक्निकल स्टाफ जो प्रभारी है ठीक है एक बार एक्शन के बारे में आप लोग सुनिए एक्शन में सभी टीमों के पास 200 पॉइंट होंगे इसमें 200 पॉइंट में आपको 14 खिलाड़ी खरीदने हैं ग्रुप तीन ग्रुप बने ए ग्रुप बी ग्रुप और डी ग्रुप सी और डी इसमें से ए वाले के 15 पॉइंट है बी वाले के 10 और सी वाले के 7 और
पांच वो सब मिलता है उसमें, तो आपको मैनेज करना है कि आप वाले से खरीदने हैं या बी वाले से खरीदने हैं या सी वाले से खरीदने हैं या डी वाले से। आपको 200 पॉइंट ये अलाउ है, उसमें ही आपको 14 पॉइंट बनाने हैं। अगर बाई चांस आपके पास पॉइंट नहीं बचते और आपके दो तीन खिलाड़ी रह जाते हैं टीम बनाने में, तो हम आपकी चॉइस ले लें कि आप किस खिलाड़ी को हटाकर उतने पॉइंट ऐड करके डी और या बी और सी जो अनफोर्ड होगी उनमें से किन को लेना चाहते हैं। अगर इसमें किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है। ठीक है, देखिए साइलेंट हो गए। आपको 200 पॉइंट दिए गए, 200 पॉइंट दिए गए हैं। वैसे तो वहां 15 सदस्य थे, लेकिन आज ये कैप्टन ऑलरेडी को नियुक्त हो चुके, इसलिए अब हमें 200 पॉइंट में 14 प्लेयर आपको सिलेक्ट करना है। अब आपको ग्रुप ए में 3 प्लेयर रखे गए, उसका बेस प्राइस 15 पॉइंट है, और ग्रुप बी में आपको 40 की स्ट्रेंथ है, उसमें आपको 10 पॉइंट का दिया गया है, और आपको सी ग्रेड में आपको 40 प्लेयर है, उसमें आपको 7 पॉइंट दिए गए हैं, और डी ग्रुप में आपको 18 प्लेयर है, उसमें आपको 5 प्लेयर दिए गए। अब आपको ये डिसाइड करना है कि हमें सुनो कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है कि हमें 200 पॉइंट में हमें 14 प्लेयर हमारे सिलेक्ट हो जाए। इनकेस अगर आपको पॉइंट खत्म हो जाते हैं, प्लेयर कुछ अभी शेष रह जाते हैं खरीदने के लिए, तो फिर 200 पॉइंट में आपको 14 बनाने अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आपने 11 बना लिए और खत्म हो गए, अब हम क्या करें। तो अब आपकी चॉइस से आपकी जो बेस जो आपने खरीद रखे हैं उनमें से किसी को आपको हटाना पड़ेगा, और आपको पॉइंट के हिसाब से नीचे वालों को आपको प्राथमिकता देनी पड़ी ताकि आप इक्वल हो सके। आपको समझ में आया? किसी को अगर डाउट हो तो आप बताएं। ठीक है प्रोसेस। Thank you.